हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एएलपी के एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी हो सकती है कट ऑफ। आपको पता है एएलपी में कुल 60,000 पोस्ट है और 15 गुना ये रिजल्ट देने वाली है। 60,000 पोस्ट है और 15 गुना रिजल्ट देगी। रिजल्ट होगा लगभग 9 लाख। 9 लाख रिजल्ट आने वाली है। 9 लाख प्रीलिम्स के एग्जाम में 9 लाख रिजल्ट मायने रखता है। तो 9 लाख रिजल्ट आ रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पास 60 मिनट का टाइम होता है। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। ऑनलाइन एग्जाम है। 60,000 पोस्ट है। 15 गुना रिजल्ट आएगा। 9 लाख कुल रिजल्ट आएंगे फर्स्ट स्टेज में। अब सवाल है कि कट ऑफ कितना कितना। तो सबसे पहले इसको मिटा देता हूं मैं। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, कट ऑफ 4 तरह के बनेंगे। नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो है 40% मिनिमम जनरल कैंडिडेट को लाना होगा पास करने के लिए। मिनिमम 40% लाना होगा तब जाके वो क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी के लिए है 30%, एससी के लिए है 30% और एसटी के लिए है 25%। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके बाद ही उनकी कॉपी चेक होगी, समझ रहे हो। इसके बाद कॉपी चेक होगी तो ये मिनिमम है। अब सवाल है कि 75 क्वेश्चन यहां पे हैं और आपको 60 मिनट मिल रहे हैं। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट ले रहे हैं? तो बहुत कम स्टूडेंट, लगभग 45% के आसपास, 50 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। 50 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा पा रहे। उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखो निगेटिव मार्किंग है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग पहले ही मोड में हैं। जब 26,000 के आसपास वैकेंसी था उसी मोड में हैं और लगातार दनादन अटेम्प्ट ले लेते हैं, जिससे कारण उनका कट ऑफ गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। तो जनरल की कट ऑफ की बात करें तो अगर आप 40 प्लस माइनस 2 समझ रहे हो, यानी 38 से 42 के बीच में आप नंबर लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, अगर नंबर लेके आ रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। आपको घबराने की बात नहीं, फर्स्ट स्टेज आप निकाल रहे हो। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 35-40 के बीच में अगर इनका स्कोर है तो ओबीसी भी क्वालिफाई कर रहे हैं। रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं। आप अभी एग्जाम बचे हैं, एग्जाम्स बचे हुए हैं और आप श्योर रहो कि अगर आप 40 बहुत ज्यादा लेना है तो 45 ले लो, लेकिन वो 45 बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। तो इसके अंदर में है तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। ये तो 30 के आसपास है, इनका पता नहीं इनका तो कितना होगा। हाल ये ना हो जाए कि कहीं से कम ना हो जाए, ठीक, ये भी हाल हो रहा है। खैर, तो इसी के आसपास मान लो 28 के आसपास, 28 के पास आसपास एसटी का, तो ये होगा कट ऑफ इस बार सीबीटी के फर्स्ट स्टेज में एएलपी के एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से। और इसके अंदर अगर आप आ रहे हो कहीं भी तो आप तैयारी करना शुरू कर दे उसके नेक्स्ट स्टेज के लिए। उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा आपको इसी चैनल पे, और आप चाहे तो chandmaniicacademy.in पे भी जाके मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो ये था मेरे हिसाब से एनालिसिस, और आप क्या सोच रहे हो ये भी कमेंट करके बताओ, जरूरी होता है वो भी जानना। लेकिन मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए और जितना मैंने एनालिसिस कर पाया अभी तक पेपर सब कुछ देखने के बावजूद, तो ये फिर इतना कट ऑफ निकल के आया मेरे अकॉर्डिंग, और इसके आसपास है तो आप सेकेंड स्टेज के लिए तैयारी करना शुरू।